हस्बैंड भारत सहानी के बारे में ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी रणबीर की इकलौती बहन आलिया की इकलौती ननद रिधिमा कपूर ने रिसेंटली एक शॉकिंग रेवलेशन किया। भारत सहानी ने कैसे शादी के बाद रिधिमा को कुकिंग से छुट्टी दिला दी। जी हाँ, खाना बनाने से छुट्टी मिली रिधिमा को। भारत के इस व्यवहार के पीछे हिलेरियस रीजन बताया जा रहा है। जी हाँ, भारत ने रिधिमा से पत्नी से कहा तुम खाना मत बनाना शादी के बाद। ऐसा क्यों कहा होगा भारत ने, आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे। जी हाँ, रिधिमा भले ही बॉलीवुड में नजर ना आई हो लेकिन अपनी कजन्स करिश्मा और करीना से कम गॉर्जियस वो नहीं है। उनके फैंस उन्हें फॉलो भी करते, वो फिट है, काफी स्टाइलिस्ट भी है जो ज्वेलरी डिजाइनर है प्रोफेशन से और को पार्टनर है क्लोथिंग ब्रांड। डिस्पाइट चूजिंग अ करियर उन्होंने लाइमलाइट से रहकर अलग हटकर बिजनेस को चुना। मीडिया स्क्रूटनी को फिर भी वो स्किप नहीं कर पाई हैं। हैप्पली मैरिड है वो दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट से जिनका नाम भारत है। एडोरेबल डॉटर है उनकी समारा जो मीडिया को काफ़ी पसंद करती हैं। खैर, यहाँ अपने हस्बैंड के बारे में रिधिमा ने क्या कहा आइए जानते हैं, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जी हाँ, रिधिमा एक परफेक्ट वाइफ और मदर जो कि हस्बैंड और चाइल्ड को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करना पसंद करती आई हैं। बता दें आप सबको कि रिधिमा कपूर और भारत सहानी इस वक्त जो मैडली लव में है। पेरेंट उन्हें एम्ब्रेस करते हुए रिधिमा ने बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि फूड को लेकर ज़्यादा हैपनिंग नहीं होता है। रिधिमा रिस्ट्रिक्ट करती नजर आए, उन्हें बैन किया गया कुकिंग से। इसके पीछे का कारण हिलेरियस बताया गया। चलिए आपको बता ही देते हैं असली कारण क्या है। नीतू कपूर ने रिधिमा को खाना बनाने को सीखने के लिए कहा था शादी से पहले। रिधिमा ने यह बताया था हर माँ का ये काम होता है और हर इंडियन मॉम ऐसा करती है, अपनी बेटियों को खाना पकाना बनाना तो सिखाती ही हैं, सीखने को कहती ही हैं। रिधिमा के साथ भी यही हुआ लेकिन भारत ने उन्हें खाना बनाने से ही रोक दिया। दरअसल कारण ये है कि गॉर्डन रैम्सन्स कुकिंग शो की बात करें तो उसकी रेसिपीज कुक करने लगी थी रिधिमा, और कई बार उन्होंने पास्ता अपनी बेटी के लिए बनाया, हस्बैंड के लिए, उन्हें पसंद भी आया। जब वो शादी करने वाली थी उनकी माँ ने उनसे कहा कि उन्हें वाकई में शादी के बाद खाना बनाना पड़ेगा, पंजाबी फैमिली है जिन्हें खाना बहुत पसंद है तो उन्हें वाकई में ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मुंबई में वो कुकिंग क्लास भी लेने चली गई थी लेकिन शादी के बाद जब डिफरेंट क्वेश्चंस वो ट्राई कर रही थी उनके हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन बुरी चीज़ ये थी 90 किलो की हो गई थी वो। जी हाँ, 90 किलो की हो गई थी वो खाना पकवाने बनाने में। और इसके बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें सीधा मना कर दिया, कहा मैं काम नहीं कर सकती हूँ, खाना तो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि खाना बनाऊँगी खाऊँगी। और ये तो आपको बता दें कि भारत ने इतना ज़्यादा उन्हें वेट लूज़ करने के लिए कहा, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी दोनों को कुकिंग बहुत पसंद रहा लेकिन अनहेल्दी वेट नहीं चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो कुकिंग नहीं करेंगी। लॉकडाउन में पास्ता नूडल्स बहुत सारी चीज़ें बनाई गई और फिर हमने मुंबई जाने का फैसला लिया, जहाँ पर इनका ये सच सामने आया कैसे वेट गेन की वजह से कुकिंग उन्हें छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट 9 लाइफ से तृप्ति की रिपोर्ट।